मैं किसी पे आरोप लगा दूं कि इसने 1000 करोड़ खा गया, 10000 करोड़ खा गया, 1 लाख करोड़ खा गया, उसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक लाइफ में अगर तथ्य प्रमाण किसी के पास हैं तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं करी? और ये जो पैसे की बात है, जिन लोगों का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पैसे के दम पर पनपा हो, शायद उनको हर चीज़ में पैसा नूर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, पब्लिक जज्बात भी कुछ होते हैं, पब्लिक वोट भी कुछ होती है, पब्लिक इमेज भी कुछ होती है। जिन लोगों की राजनीति सिर्फ पैसे के दम पर चलती आई हो, अगर कोई उंगली उठा सकता बता दे हमारे को, इस तरह के आरोप लगाने से, सुन ले मेरी बात, इस तरह के आरोप लगाने से कोई किसी का लाभ नहीं होने वाला है। आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ, जबान खोलने में क्या दिक्कत है किसी को, लेकिन हम संयमित रहे। तमाम गालियां खाने के बाद भी हमने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ रहे। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की बात को उठाते रहें, सच्चाई के लिए लड़ते रहें, युवाओं की बातों को रखें। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पब्लिक को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। विधायकों पर, कांग्रेस के विधायकों पर, जिनके दम पर हम मुख्यमंत्री बने हैं, सोनिया गांधी जी, इनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, आप उन्हीं को बदनाम करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, तो पब्लिक सवाल नहीं पूछेगी हमसे 6 महीने के बाद? इसी इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना कोई बहुत गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। अपन चाहते थे, अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है, कांग्रेस के विधायक को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है, ये समझ से परे है। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं, 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था, सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक, उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक का इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100-100 करोड़ की जमीन तो उनकी बाड़मेर में निजी जमीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना, मैं समझता हूँ बहुत गलत है। बहुत हम दिल्ली में गए, अपनी बात को रखा और उसके बाद सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्मानीय माखन साहब और सम्मानीय खड़गे जी को जयपुर भेजा था, आप सब जानते हैं। वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई, सोनिया गांधी हमारी पार्टी की अध्यक्ष थी उस समय, उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40 पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफा दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है।